press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. किया हमको बड़ा अच्छा लगा, हम सिर्फ आपको नहीं रेडी तुम्हारा खाली फूल गुच्छे नहीं दे रहे, आपको जो भी लाख दो लाख रुपए डिपॉजिट लगा वो भी हम आपको देंगे, क्योंकि आपने हमारा 50 लाख का बजट 3 लाख 5 लाख पे ले आया है, इसलिए हम आपके दिल से आभारी हैं। और सिर्फ सदा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री वालों की तरह नहीं बोलता, जो भी तुम्हारा 1 लाख रुपए डिपॉजिट है वो भी मैं दूंगा, जो तुम्हारा 1 महीने का भाड़ा वो भी मैं तुमको दूंगा, और मेरा कभी भी कोई जरूरत पड़ जावे साम दाम दंड भेद सबसे हम आपके साथ हैं। जय हिंद जय महाराष्ट्र। सिर्फ फोटो ही है ना, फोटो ही है, बिल्कुल भी नहीं फायदा में। ए कहाँ गया, ए छोटू आ जरा, और कौन है ये, एक दो सर, धन्यवाद बुला ना मम्मी को, बुला। इधर देखिए, इधर देखिए, ओके पब्लिसिटी कर देंगे बढ़िया से। आओ लेते सिंगर जो आए थे, आइए आप आइए, फूल से देखिए जैसा होता है, चाहिए दीपक है, बूम लगाओ रोल, आप जाना थोड़ा सा यहाँ पीछे, इस तरफ देखिएगा, ये सामने कैमरा माइक ऊपर लो, बूम ठीक है पकड़ो, ऐसे प्रोडक्शन की ओपनिंग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धमाल फिल्म जो हमने सोच कर रखा है नाम धमाल फिल्म, ये मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, और इसके पहले हमारा एके न्यू भोजपुरी के नाम से था अर्पिता फिल्म प्रोडक्शन, तो जिसके वजह से लॉकडाउन के वजह से मुझे कंपनी अपनी बंद करनी पड़ी, और लॉकडाउन का असर बहुत दिखा हमारे ऊपर, और जिसके वजह से हम सोच रहे थे कि वापस हम चालू नहीं कर पाएंगे, लोगों के लिए जो युवा सिंगर है युवा एक्टर्स हैं जिनकी मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, और वो सफलता मुझे कम दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर मैंने कोशिश किया, और कोशिश करने के बाद मुझे मंजिल मिल ही गई, मंजिल मिलने के बाद मैंने प्लान किया कि अब मैं इसे पीछे नहीं छोड़ूंगा। युवाओं जो युवा एक्टर हैं युवा सिंगर हैं उनके लिए मैं बहुत कुछ सोचा हूं और बहुत ही कुछ प्लान बना के रखा हूं, कुछ ऐसा किया जाए जिसका नाम मार्केट के अंदर सबके दिलों और दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए हमने अपने कंपनी का नाम धमाल रखा हूं। धमाल जिसका इंग्लिश में वर्ड कहते हैं ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब यानी हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पब्लिक के अंदर मेरी कंपनी का नाम सबके दिलों और दिमाग में बैठ जाए, और सभी पब्लिक हमें अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दें ताकि मैं इस मकसद में कामयाब हूँ। स्टूडियो कहाँ पे खुला है? गोरेगांव मोतीलाल नगर, गोरेगांव मोतीलाल नगर नंबर 1 इंद्रप्रस्थ के सामने, हाँ इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग के सामने, धमाल फिल्म प्रोडक्शन। अच्छा ये रिकॉर्डिंग और क्या क्या होगा यहाँ पर? हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग डबिंग और मिक्सिंग, हाँ मिक्सिंग यानी सारे काम, एल्बम वगैरह शूट एल्बम से लेकर सारे A to Z काम होंगे हमारे यहाँ। ये स्टूडियो कब से कब तक खुला रहेगा, इसकी टाइमिंग क्या? इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। यहाँ पर अभी आज उद्घाटन के मौके पर कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ कई युवा आर्टिस्ट लोग आए हुए हैं, एक्टर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने कोई बड़ा कलाकार नहीं बुलाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं छोटे लोग को भी चांस मिले, बड़े तो हर जगह जाते हैं पर छोटे को चांस नहीं मिल पाता है, इसलिए हमने छोटे एक्टर्स को भी चांस दिया है कि आके उन्हीं के हाथों मुहूर्त करवाते हैं।
कुछ अपने बारे में बताइए, जो प्रोजेक्ट आपने किए हैं, कैसे आना हुआ इंडस्ट्री में, थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बताइए क्या। हमने इंडस्ट्री में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया है, जिस तरह बता हम चालू किए इंडस्ट्री भाईंदर में अर्पिता फिल्म प्रोडक्शन के नाम से, और टारगेट फिल्म का मुहूर्त किए जिसका टाइटल मेरा निरस्त कर दिया गया। मेरा टाइटल ना होने के वजह से मुझे वो फिल्म रोकनी पड़ी, और उसके बाद हमने सोचा कि अब फिर से कुछ नया प्लान किया जाए और नया फिर नए सिरे से काम किया जाए। मैंने पीछे नहीं हटा, और जिस तरह कहते हैं एक चींटी पहाड़ पे चढ़ती है, कभी गिरती है 10 बार लेकिन वो अपना खाना ले जाना नहीं छोड़ती है, उसी तरह मैं भी इतनी सारी मुसीबतें आई हमारे ऊपर मगर हम पीछे नहीं हटे, डट के मुकाबला किए लॉकडाउन का, और उसमें हमको सफलता मिली। तो आगे क्या प्लानिंग है अपने करियर को लेकर? अपने करियर को लेकर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जिससे लोगों जनता के बीच में मैं अपना एक नाम बनाना चाहता हूँ। मेरा मकसद यही है कि मैं जनता से हूँ, जनता मेरे से नहीं है, ठीक है। अगर उन लोगों का प्यार मेरे साथ अगर रहा तो मैं बहुत कुछ कर जाऊँगा। सबसे पहला पहल क्या होने वाला है, सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या आने वाला है, कुछ तो प्लानिंग होगी इस चीज़? मेरा प्रोजेक्ट बहुत जल्द, जिसे टाइटल मेरा रजिस्टर हो चुका है और कंफर्म होते ही मैं अपनी फिल्म का प्रोजेक्ट चालू करने वाला हूँ। तो किस तरह की मूवी होगी और किस टाइप के हीरोज आप लेंगे, स्ट्रगल लेंगे या जो फेमस है उनको? देखिए, हमारे में दोनों तरह के हीरो रहेंगे, फेमस भी रहेंगे और स्ट्रगल जो कर रहे हैं वो भी रहेंगे। तो अभी इसका डिसाइड नहीं किए हैं, और जैसे ही डिसाइड करते हैं तुरंत हम इसका कंफर्म कर देंगे कि किस हीरो को लेकर पहली मूवी बनाया जाए। मैं राजकुमार कन्हैया जी को शुभकामना देता हूँ कि अच्छे से फिल्में बनाएं, और इनका मकसद है कि जो नया आर्टिस्ट हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊँ, उस सिलसिले में उन्होंने पहले भी बहुत काम किया है, और इस स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्डिंग और फिल्मों की डबिंग और ये फिल्म प्रोड्यूस भी करेंगे। दूसरी बात है कि जितनी भी फिल्म मेकिंग के इसमें काम होते हैं, DI वगैरह सब ये करेंगे, और मैं शुभकामना देता हूँ कि ये इस काम में सक्सेस हों, और हम लोग उसे जितना पोस्ट प्रोडक्शन के सारे काम करेंगे, और हम लोग उसे जितना सहयोग हो सकता है मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे साथ काम करते हैं तो मैं अच्छा प्रोजेक्ट बना करके इनको दूंगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं राजकुमार जी को नमस्कार प्रणाम, हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको मैं पांव छू को प्रणाम करता हूं, और राजकुमार भैया जी को सबसे मैं पहले बधाई देना चाहता हूं जो ये स्टूडियो खोले हम जैसे कलाकारों के लिए, बहुत अच्छा किया खोल के। और मैं एक सिंगर हूं और स्ट्रगल कर रहा हूं, तो एक गाना सुनाना चाहता हूं। जवन बात बाय अधूरी पूरी बात हो जाए, सामसनवा पे आईहा मुलाकात हो जाए, जवन बात बाय अधूरी पूरी बात हो जाए, भटकत रहिब हम तोहरे इंतजार में, केहू पूछी तब तानी प्यार में, भटकत रहिब हम तोहरे इंतजार में, केहू पूछी तब तानी प्यार में, तोहरे हथवा के कफन सब गात हो जाए, तोहरे हथवा के कफन सब गात हो जाए, सामसनवा पे आईहा मुलाकात हो जाए, जवन बात बाय अधूरी पूरी बात हो जाए, जवन बात बाय अधूरी पूरी बात हो जाए,
ये गाना मैं इसी स्टूडियो में गाया हूँ और इसी स्टूडियो में म्यूजिक भी बना है मेरा, और बहुत अच्छा गाना है। सब लोगों के बीच में जब आएगा तो लोग इसे पसंद करें, हमारी उम्मीद यही है, और आप लोग का प्यार रहना चाहिए। सर साइड होना तुम घूम के शेयर करो। हां धमाल फिल्म प्रोडक्शन की आज ओपनिंग हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं दी जाएंगी राजकुमार जी को? राजकुमार जी का ऐसा है कि मैं खुद एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक फिल्म बना रहा था तो उसी दौरान में मेरी इनकी मुलाकात हो गई, तो उस टाइम हमारा बजट था 50-60 लाख रुपए का, तो इन्होंने राजकुमार जी ने ही मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा हम एक धमाल बना रहे हैं, आपका क्या विचार है? मैंने भाई बाप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इन्होंने ये धमाल जो बनाया है, और जैसे जो जो चीज़ उन्होंने बोला नए यंग, मेरे खुद के 4-5 प्रोजेक्ट क्या मैं कैसे कहना चाह मैं इसमें, क्योंकि इस लाइन में मैं नया हूँ, इसलिए मैं आपको पर्टिकुलर चीज़ बोल, मेरे खुद 4-5 प्रोजेक्ट हैं जो मैं जो मैंने राजकुमार जी को बोले, राजकुमार जी बोले जहाँ 50 लाख लगा रहे हैं आप 5 में 5-5 लाख रुपए लगाओ, आपका 20 लाख में काम हो जाएगा, हम 5 नए लोगों को लेंगे और बना डालेंगे। एक्चुअली मेरी इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, लोकसभा विधानसभा लड़ा हुआ आदमी हूँ, और मैं पूरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन राजकुमार जी के साथ जुड़ने से आज ये धमाल इन्होंने बनाया, और मैं इनसे अंदर घुसते ही इम्प्रेस हो गया मैं, यार तुमने कुछ किया ना इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जो भी फाइनेंस का जो भी इनका कभी कोई भी किसी किस्म की मदद लगेगी तो मैं इनके साथ में हूँ 24 घंटे। ओके सर, थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माई डैड बिकॉज दे आर डूइंग सो गुड थिंग्स टू, दे आर थिंकिंग अबाउट दैट स्मॉल एक्ट्रेस, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर थिंकिंग अबाउट देम, सो आई रियली टेल देम टू डू थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग लाइक दिस, एंड होपफुली माई डैड इज डूइंग वेरी वेरी प्राउडफुल वर्क, सो आई एम वेरी अप्रिशिएट टू माई डैड, थैंक्स टू कम, एंड आई एम वेरी प्राउड, आई एम फील टू वेरी प्राउड बिकॉज ऑफ ही इज माई डैड. Yes, so I really congratulations to my dad and big and please whoever is there, please come in Dhamal Film Production Studio because it's for small strugglers, actress and singers, because they never got the chance to go anywhere the high professional. They are struggling only. So that's why I'm telling that my dad has opened the old studio here, Dhamal Film Production. So all of you have to come here and visit once again. You have to visit at least one time. If you like it, so visit again. If you don't like it, so it's your wish. It depends upon you. So please visit once again. So my dad has opened it for you. It's a big opportunity for you all. So you have to come and visit and please do your work very professionally and very work. So that's why we thank to my dad and please go ahead. Thank you. Dhamal film role hai Dhamal film production ki aaj opening hui hai, Rajkumar ji ko kya good wishes dena chahenge apni taraf se? Sabse pehle to namaskar, jitne bhi Bhojpuriya samaj jo mujhe jante hain, jo mujhe pyar karte hain, un sabko ek bar fir se namaskar. और रही बात धमाल भोजपुरिया स्टूडियो आज खुली है तो राजकुमार सर को बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से. काफ़ी वो ईमानदार व्यक्ति हैं और काफ़ी मतलब वो इतना मतलब उनसे बात करने पर ऐसा लगता है नहीं यार ये बंदे में कुछ है यार. और सच में तो कहूँ तो अभी मेरे भी कोई अभी स्ट्रगल चल रहा है, सबका देख रहा है सब लोग, खास करके जितने भी लोग आए हैं स्ट्रगल ही चल रहा है सबका, कोई स्टार यहाँ पर आया नहीं है. तो ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा है जो हमारे लिए सोचता है, तो सिंपल यार हम भी सोचते हैं उनके लिए कि ठीक है यार हम भी जहाँ तक रहेगा हम खुद साथ में रहेंगे और साथ में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे हमेशा ऐसे ही साथ में. और जितने भी यहाँ पे क्रू मेंबर हैं उन सबको फिर से एक बार बधाई और मज़ा आ रहा है सच में यहाँ पे देख के, आप बहुत मज़ा आ रहा है. थैंक यू. हो चुकी है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए. जी जी बंद कर दबंगे मेरी यार ये फर्स्ट फिल्म है मेरी. स्ट्रगल टाइम जब था तो आप लोगों को भी पता है कि स्ट्रगल टाइम में कितनी सारी मेहनतें करनी पड़ती है. अभी भी चल रहा है, अभी भी कुछ खास हुआ नहीं है. हाँ फर्स्ट फिल्म आ रही है बंद कर दबंगे जो बहुत जल्दी इस महीने के लास्ट में ट्रेलर आउट होगा. और जो सेकेंड मूवी है मेरी है इसका कबूल, जिसमें लुलिया हैं, सारे स्टार कास्ट हैं, आई थिंक हम आप जानते होंगे आई थिंक, तो वो भी कम्प्लीट लगभग कम्प्लीट है, सारी चीज़ें ओके हैं. और उसके बाद एक फिल्म और आ रही है तेरे इश्क में मर जाऊँ, मैं तेरे इश्क में मर जाऊँ, जिसमें दीपक दिलदार भी हैं और मैं भी हूँ, हम दोनों भाई रहते हैं और दोनों साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मज़ा आता है फिर काम करते हैं. और वो भी फिल्म समझे कि लगभग इस महीने के लास्ट में ट्रेलर वगैरह कट के और रेडी हो गया है सारी चीज़ें, वो भी आ रही है. तो मज़ा आएगा लोगों को जहाँ तक लग रहा है कि मुझे जहाँ तक क्योंकि हमने काम किया है मज़ा आ रहा था, तो आप लोगों को भी ज़रूर मज़ा आएगा. और मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि देखना मत भूलिएगा इस महीने के लास्ट में. थैंक यू.
धमाल फिल्म प्रोडक्शन की आज ओपनिंग है, क्या गुड विशेस देना चाहेंगे राजकुमार जी को? जी पहली बात तो कि मैं उनको इतना बोलना चाहती हूँ कि अभी अभी पहली बार खोले हैं यहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि यहाँ से हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। अभी 2-3 मूवी भी है साथ में, तो मूवी भी कर रहे हैं और प्लस में गाना भी कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि साथ में काम करने के बाद आई थिंक हम नहीं जानते एक दूसरे को, और जिसके साथ में हम लोग काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ भी आदमी काम करता है कलाकार कोई भी हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस मूवी से जितना भी हम इस मूवी से काम करने जा रहे हैं तो वो गाना हिट ही होगा, चाहे वो मूवी हो या फिल्म हो जो भी हो धर्मा से। तो okay. बस थैंक यू। प्रोडक्शन जो धमाल फिल्म प्रोडक्शन का बताइए। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, सॉरी फिर से कट करो, अभी नाम अर्जुन सिंह को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्जुन सिंह, आज हमारे बहुत ही अच्छे मित्र जो है कि अजीत यादव जी, आज धमाल फिल्म प्रोडक्शन का ओपनिंग है तो उन्होंने हमें बुलाया है। अजीत सिंह जी को मैं बुलाना चाहता हूँ, प्लीज़ आइए। गोरेगांव में मुंबई में ओपनिंग हुआ है, आइए ना, समझ लीजिए कि भाई भाई का रिश्ता है, हम लोग एक भाई भाई की तरह रहते हैं। जो भी हमारा अभी काम हो रहा है, नए सॉन्ग पुराने सॉन्ग जो भी हम लोग साथ में कर रहे हैं, और धमाल फिल्म प्रोडक्शन आज ओपनिंग है इसका, तो मैं अपने राजकुमार भैया को जो है कि दिल से ये बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से जो है चलेगा, और हम यहाँ बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छे अच्छे गाने और अच्छी अच्छी फिल्में जो है कि यहाँ पे की जाएंगी। अभी एक मेरा जो है कि गाना आया है बीच में, एक मेरी कंपनी से आया है, लव भोजपुरी म्यूजिक, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। पियावा से अपने सवाद नहीं पहिलो, रहलो भूखाइल हमार पंजाइलो, हमार पंजाइलो। पियावा से अपने सवाद नहीं पहिलो, रहलो भूखाइल हमार पंजाइलो। उस गाने को लिखे हैं जो है कि हमारे और इनके राइटर प्रेम प्रकाश जी, उनको दिल से धन्यवाद। और धमाल फिल्म प्रोडक्शन ओपनिंग हो गया है, और जितने भी हमारे आपके चैनल वाले के चैनल के माध्यम से जितने लोग हम लोगों को देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है कि हम लोगों के साथ जुड़िए, और इन भैया के साथ जुड़िए, राजकुमार भैया के साथ जुड़िए, अच्छा काम होगा, बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाएगा, सब लोग मिलके काम करते हैं, यहाँ पे एक टीम वर्क होता है जो है कि। और मैंने भैया से मिला आज पहली बार, मिलके बहुत अच्छा लगा, और हमारे अजीत भाई हैं, इनको तो मैं जो है कि दिल और जान से, हमारे भाई भाई का रिश्ता है। बस यही दुआ है कि हमारा प्रोडक्शन ओपनिंग हुआ है हम सब का, तो प्लीज़ जितने लोग हम लोगों को देख रहे हैं आप लोग हमसे जुड़िए, और एक अच्छा काम किया जाएगा, बेहतरीन काम किया जाएगा, सब लोग मिलके टीम वर्क। थैंक यू, थैंक यू। प्रोडक्शन की आज ओपनिंग है, क्या गुड विशेस देना चाहेंगे राजकुमार जी को? देखिए, हम चाहेंगे कि आज जितने भी सिंगर हैं, और हम सबसे पहले हमारे पापा है वो, तो हम उनको नमस्कार करते हैं। सबसे पहले हमारे पापा है वो, तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आप सभी एक बार ये बोलते हैं कि आप सभी एक बार जरूर आइए यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन में, और आके अपना गाना रिकॉर्ड करिए, यहाँ पर डबिंग कराइए, यहाँ पर सब कुछ होता है, और आपका काम यहाँ पर एकदम फर्स्ट क्लास काम होगा आपका यहाँ पर, तो आपको आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ पर आइएगा। धन्यवाद। चलिए आप बोलिए। सबसे पहले हम अपने राजकुमार भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनको, उन्होंने जो धमाल प्रोडक्शन चालू किया है। मैंने इनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, जब इनका भयंदर में स्टूडियो था तो इनके माध्यम से मुझे बहुत काम मिला है। मैंने इनके काफ़ी एल्बम साथ में किए हैं, काफ़ी शॉर्ट फिल्म किए हैं, अब आने वाले समय में देखिए अब साथ में काम फिर करेंगे और कुछ अच्छा और लाएंगे। हैप्पी बर्थडे। सही है। हेलो बच्चों, बहुत मार दिया।
मारेगी नहीं तो। चलिए ठीक है, आप लोग सबको दिखा दीजिए। थोड़ा सा काट के मुझे दीजिए तो मैं आपको खिला दूं। ये दो, अब मैं खुद भी खा लेता हूं। आप लोग खिलाओ। ये लीजिए सोहम भाई, उधर से खिलाओ। सोहम ये लीजिए, सुंदर है। ले लीजिए, एक उठाइए, एक उठाइए, जमा दीजिए। ले ले राजमा दीजिए, ले बीजो लो जा। क्या राजमा जी पकड़िए, इसको पकड़िए। हां ठीक है, सही है, सही है। और सामने देखना इधर को। अभी जा अभी भाई, क्या बोल रहे हो सर? अर्जुन सर, अर्जुन सर इधर देखिए प्लीज। चंद्र सर देंगे बोलो सर। हेलो मैम, सोम भाई का है। हां मालिक, फर्स्ट ऑफ ऑल कुकी उल्टा है। थैंक यू। सोहन है कि सोहन है? अपने इसमें भी डायरेक्शन लगाते हैं। चलो हो गया, नाश्ता करो क्या? प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।